हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। परचेज रिटर्न की पूरी जानकारी होने के बाद अब दूसरा जो हमारा सवाल है जो पूछा गया है कि सर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो कि परचेज बिल का था अगर उसको परचेज रिटर्न में न डाला जाए तो क्या होगा। देखिए वैसे तो कुछ होगा नहीं, मैं अक्सर ही ऐसे ही काम करता हूँ, आपको सिखाना है परचेज रिटर्न के बारे में तो मैं अक्सर ही अलग इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज रहता हूं कि इसका इनवॉइस नंबर है क्या, लेकिन आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना चाहिए। एक्चुअल में अगर आप ओरिजिनल इनवॉइस नंबर नहीं डालेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि बिल जो कि परचेज करते समय मिला था वो कौन से नंबर का बिल था। इसीलिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना जरूरी है। आइए चलिए देखते हैं, यहां से आ गए टैली ERP 9 पर। अब ERP 9 पर आ गए तो यहां से स्टॉक समरी देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या मौजूद है। तो स्टॉक समरी में आए तो 10 किलो पल्स हमारे पास मौजूद है, तो अगर इसमें से 2 किलो और रिटर्न कर दिया जाए, 2 किलो और रिटर्न कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है। तो यहां पर आए, अभी यहां पर डेबिट नोट की एंट्री दिखाई दे रही है केवल, यहां से अल्ट F2 करता हूं और यहां से कर लेते हैं 1/4/2022 से लेकर यहां कर देता हूं 1/6/2022, ठीक है, ये कर दिया हमने। तो यहां पर सारी एंट्रीज अब हमारे पास आ गई हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये 2 नंबर वाला बिल देख लीजिए, यही हमारा बिल है, ये यहां पर देख सकते हैं, ये 1 है और ये 2 है, यहां पे परचेज वाली बिल, तो ये परचेज वाली बिल है। फिर यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर भी परचेज वाली बिल है, तो जो लास्ट बिल है उसी की हम बात करेंगे, रितेश होलसेलर जो पार्टी है इसी की बात हम करेंगे। तो ये पल्स था, ठीक है, जिसे परचेज किया गया था, फिर हमने रिटर्न करवा दिया था। तो यहां पर इसका बिल नंबर आप देख लीजिए, ये बिल है 123 नंबर का, देख सकते हैं। अब ये 123 नंबर का जो बिल है इसी के लिए हमें रिटर्न पॉलिसी बनानी है। तो रिटर्न करना तो बहुत आसान है, आप अकाउंटिंग वाउचर में जाइएगा, जैसे ही जाएंगे तो यहां पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको एक्टिवेटेड मिलेगा। अगर आपने नहीं एक्टिवेट किया तो करना क्या होगा, यहां से F11 की प्रेस करना होगा, यहां पे इनवॉइसिंग फीचर में जाना होगा और यहां से यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को यस कर दीजिएगा। बाकी दोनों ऑप्शन भी मैंने यस कर रखा है, आप भी चाहे तो यस कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर रिटर्न पॉलिसी की बात करेंगे। तो हम चलेंगे डेबिट नोट में, ठीक है, डेबिट नोट में आ गए। 123 नंबर ही बिल नंबर हमें डालना होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जब आते हैं तो आप देखेंगे, ये देखिए मैं यहां से फिर डेट चेंज कर लेता हूं, 1/4/2022 कर लेता हूं और यहां से लेकर 1/6/2022 तक का पूरा डिटेल हम देखना चाहते हैं। तो यहां पे देखिए इसका जो परचेज नंबर 4, ये वाउचर नंबर 4 जो है रितेश होलसेलर पार्टी जो है, इसका बिल देखिए, यहां पे बिल नंबर सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है, 123 दिया हुआ है। तो इसलिए जरूरी है कि हम इसी नंबर का बिल रिटर्न कर रहे हैं, यानी आपने जो बिल दिया था उसमें कुछ सामान खराब निकला है जिसके चलते हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, इसी वजह से यह बिल नंबर देना जरूरी है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी दीजिएगा तो ये बिल नंबर जरूर दीजिएगा। हालांकि मैं काफी सारे वीडियोस में ये बिल नंबर नहीं देता था, लेकिन ये देना जरूरी है, ठीक है। तो यहां से वी प्रेस कर लेते हैं और आ जाते हैं डेबिट नोट में और यहां पर 123 नंबर का बिल डाल देते हैं, यहां पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए कि 1 मई को हम रिटर्न करने आ रहे हैं, तो यहां से डेट चेंज करना तो बहुत आसान है, F2 प्रेस कीजिए, यहां पर वो डेट डाल दीजिए जिस डेट पर आप रिटर्न लेके जा रहे हैं। तो ये हो गया, यहां पर भी डेट आप चेंज कर सकते हैं, 1/5/2022 कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर पार्टी का नाम आएगा जिस पार्टी को आप रिटर्न देने जा रहे हैं, तो ये रितेश होलसेलर थे, इन्हीं को रिटर्न दिया जा रहा है, ठीक है, एंटर प्रेस कर लीजिए, इनका एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हैं। यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, कई बार यहां परचेज रिटर्न का भी लेजर आ जाता है, वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे यहां परचेज रिटर्न का लेजर आ जाता है। 10 किलो है तो मान लीजिए 2 किलो और रिटर्न कर रहे हैं, तो 2 किलो रिटर्न कर दिया ये, बाकी जो GST लगाया था CGST SGST वो भी लगा देते हैं, तो ये हो गया CGST और ये हो गया SGST, तो नो कर देते हैं और नो करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, तो इसको एक्सेप्ट करा लिया है हमने, देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो स्टॉक समरी में जाते हैं, ये स्टॉक समरी में गए तो अब 8 किलो ही बचा हुआ है क्योंकि 2 किलो और रिटर्न कर दिया, तो कितना बचेगा, 8 किलो ही बचेगा, समझ में आई बात। और जो रिटर्न हुआ उसका बिल नंबर आप देख सकते हैं, जब इसको प्रिंट करवाएंगे अल्ट पी करके तो यहां पर आप पाएंगे बिल नंबर। तो देखिए यहां से मैं प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूं, ये देखिए बिल नंबर क्या दिया हुआ है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है, 123। तो यहां पे सप्लायर इनवॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर यहां पे 123 ही दिया हुआ है, देख सकते हैं।
अब यहां पर आ जाते हैं जो हमारा इसके पहले हमने परचेस किया था, तो वो जो बिल था उसको देख लेते हैं। तो यहां पे दो बार डी प्रेस करते हैं, यहां से डेट चेंज कर लेते हैं, यहां से डेट चेंज कर लूंगा मैं 1/4/2022 से लेकर 1/5/2022। अब ये आ गए, यही हमारा चार नंबर वाला बिल था, तो यहां पर भी आपको 123 ही दिखाई पड़ेगा। देखिए अल्ट पी करके मैं आपको प्रिंट आउट दिखा देता हूं, यहां पे देखिए बिल नंबर, तो यहां पर भी 123 ही दिखा रहा है। तो ये फायदा है, देखिए आपको बिल नंबर डालना चाहिए, कुल मिला के ये कहना है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।